जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। मेरा नाम है, कराची में मैं लोकेटेड हूँ। बात करना चाह रहा था यूएई वीजा के हवाले से। यूएई वीजा जैसे पिछले दिनों काफी बंद रहे, फिर उनकी कैटेगरीज चेंज हुई, फिर 5 ईयर के ऊपर काफी चेंजेस आए और उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज अप्लाई करना शुरू कर दी है। तो मैं उस हवाले से आपको बताना चाह रहा था कि अब जो है यूएई वीजा बिल्कुल रेगुलर हो चुके हैं। अब आपके पास ऑप्शन है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज वाला वीजा इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अब 90 डेज वीजा इमिग्रेशन इशू नहीं कर रही है। अब आप 30 डेज वीजा अप्लाई कर सकते हैं, 60 डेज वीजा अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की फीस वेरी करती है। 30 डेज में आपके पास मल्टीपल उसका भी ऑप्शन होता है, मल्टीपल वीजा का। 60 डेज में अभी तक इसमें कोई चीज कंफर्म नहीं, लेकिन ये है कि वीजा इशू हो रहे हैं। दूसरी चीज जो इनकी एक अमेंडमेंट थी कि अब आपको विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए भी बैंक स्टेटमेंट देना होता था, उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन फिर भी आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता था। तो अब जैसे कि यूएई वीजा आप अप्लाई करते हो तो वहां पे 7 स्टेट्स है, तो आपका जो भी एजेंट है वो आपको अप्लाई करता है या तो दुबई से या अबू धाबी से या शारजा से या कहीं और से भी। तो अभी देखा ही जा रहा है कि अबू धाबी वाला जो वीजा एप्लीकेशन स्टेट है वहां से वीजा आ भी रहे हैं, रिजेक्शन रेशियो भी कम है, प्लस वो आपका स्टेटमेंट भी नहीं मांगते हैं, जबकि दुबई में आपको स्टेटमेंट भी देना लाजमी है, वहां से रिजेक्शन रेशियो भी ज्यादा है। अब ये भी चीजें वेरी करती हैं कि अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, उसमें रिजेक्शन चांसेस रेशियो और होता है, और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो आपका क्राइटेरिया क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो डिफरेंट होती है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, मियां बीवी बच्चे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या कोई भी आपका पर्पज है, आप आंख बंद करके अबू धाबी स्टेट से वीजा अप्लाई करवाइए, वहां पे आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल प्रोसीजर हुआ करता था वैसे के वैसे। एयर टिकट्स में भी अभी देखा जा रहा है कि दुबई के हवाले से काफी नॉर्मलाइज हो गई चीजें। जो दुबई का टिकट 1,20,000, 1,25,000, 1,12,000 पे पहुंचा हुआ था, कराची से मैं बात करूं, कराची दुबई, कराची अब अगर आप फ्लाई दुबई पे देखते हो तो 59,000 के ऊपर नॉर्मल, जो कि फ्लाई दुबई का नॉर्मल है। अगर नॉर्मल की बात करें तो इस वजह से है क्योंकि आपका डॉलर रेट कन्वर्ट जो आप देख रहे हो 229-230 रुपए आज के मुताबिक है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जितनी भी परचेज हो रही होती है वो डॉलर्स पे हो रही होती है या फ्यूल उसके ऊपर से हो रही होती है, तो इस वजह से ये प्राइसेस रह रहे हैं और ये नॉर्मली कंसिडर होंगे। 58,000-60,000 रुपए का आपको फ्लाई दुबई कराची, दुबई कराची मिल जाता है। एमिरेट्स अभी भी तकरीबन 86,000-88,000-90,000-92,000 जैसे भी उसमें सीट मिलती है उस हिसाब से, तो एक तरह से ये नॉर्मल है। 30 डेज और 60 डेज जो है वो वीजा रेट आपके वेरी करते हैं। आपका जो भी नॉन एजेंट है, देखें अननोन एजेंट आपको दुबई का वीजा नहीं देगा, क्योंकि यूएई के अंदर होता ये है अगर आप 1 घंटा भी वहां पे एक्सीड करते हो, ओवर स्टे होते हो, 1 दिन भी रुकते हो, ऑन स्पॉट जिसने भी आपका वीजा इशू किया उसकी आईडी ऑन स्पॉट लॉक हो जाती है और उसके ऊपर पेनल्टी काफी महंगी लगती है, लाखों रुपए में लगती है। तो कोई भी अननोन आदमी आपको 300-500 हजार रुपए के वीजा के पीछे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। आपने दुबई वीजा अप्लाई करना है तो किसी अननोन से बोलने का फायदा ही नहीं है। आप अपने सर्कल में, जानने वाले में, किसी और में देखें जो आपको पर्सनली जानता है, वही आपको यूएई का वीजा लगा के देगा। आपने वहां जाके जॉब ढूंढनी है, आप उस बंदे को बता के जाएं ताकि वो मेंटली रेडी हो और आपको वो उसका क्राइटेरिया लीगल वे से बताए। हर जगह जो है लीगल उससे जाइए, क्यों अपना आप अपना पासपोर्ट को गंदा कर रहे हो, अपने इमेज को गंदा कर रहे हो, आइंदा आप पे कोई इमेज आपके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा, तो फायदा क्या। जो चीज करनी है कानून के दायरे में रहते हुए करें, होगा, सारी चीजें होंगी, दुनिया की होती है, आपकी भी हो जाएंगी। ये अपडेट आपको देना चाह रहा था, वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर दें, चैनल को ट्रैवल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।